नमस्कार, वी 24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक उलटफेर के तहत शनिवार सुबह बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में चौंकाने वाला नाम एनसीपी नेता अजित पवार का भी था, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली। अब भाजपा के पास फ्लोर टेस्ट के लिए 30 नवम्बर तक का समय है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी अटकलों के बीच शनिवार सुबह आई इस खबर ने सभी को चौंका दिया। शुक्रवार तक जहां शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार बनने की संभावना जताई जा रही थी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा था कि सीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर नेताओं में अधिक सहमति है, वही शनिवार के राजनीतिक घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया। फडणवीस ने जहां एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ ली, तो वही उप मुख्यमंत्री एनसीपी नेता अजित पवार बने। शपथ ग्रहण के बाद अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव परिणामी आने के बाद से ही कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं और राज्य किसानों के मुद्दे सहित कई समस्याओं का सामना कर रहा था, इसलिए हमने एक स्थिर सरकार के गठन का फैसला किया। इसलिए पहले सीएम पद के तौर पर शपथ लेने वाले फडणवीस ने एक बार फिर शिवसेना पर निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने साफ जनादेश दिया था, लेकिन शिवसेना ने चुनाव के बाद अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार की जरूरत है, न कि खिचड़ी सरकार की। वीजो विस्तार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा सरकार के एक बार फिर से सरकार बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। धर्मपेट के लक्ष्मी भवन चौक पर भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर भाजपा की सरकार बनने का जश्न मनाया, जिनसे बात की है वीजो विस्तार ने। राज्य में भाजपा ने फिर एक बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। हम फिलहाल नागपुर के लक्ष्मी नगर चौक में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा ने एक बार फिर से सत्ता बनाई है, तो जो कार्यकर्ता है और कुछ नगर सेवक मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से माहौल लगाई दे रहा है। एक बार सत्ता में फिर से वापस आया है। शिवसेना के साथ आप थे, लेकिन शिवसेना आपके साथ नहीं आई है मुख्यमंत्री पद के लिए। जो वाद चला एक महीने से और अब राष्ट्रवादी के साथ चलेगा, क्या महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया था भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को, लेकिन शिवसेना ने अलायंस तोड़ करके अलग जिनके साथ अलायंस करना चाहिए उनके साथ अलायंस ना करते दूसरे के साथ अलायंस कर रहा, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने महाराष्ट्र में जो काम किया है उनका काम का जनाधार देखते हुए बाकी लोगों ने उनके साथ में आकर सरकार बनाने के लिए उनको मदद किया है। और माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने बोला था कि मैं फिर से आऊँगा, फिर से जनता ने मैंडेट दिया है और आमदार लोग उनके साथ में आए और मुख्यमंत्री महोदय ने जो 5 साल कार्यकाल निर्विरोध और अच्छे तरीके से निर्वाह किया, आगे भी 5 साल निर्वाह करेंगे। हमारे प्रभाग का हमारे एरिया का धर्मपेट का वैभव है, धर्मपेट से जो रहने वाले जो हमारे बूथ में रहने वाले मुख्यमंत्री जिन्होंने महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया, आगे भी ऐसा ही काम करते हुए हमारे नागपुर का गौरव बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, देश का भी देश में विकास की गति को लाने के लिए काम करेंगे। हमारी ओर से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनको शुभकामनाएं, उनकी सरकार को शुभकामनाएं। उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं राष्ट्रवादी के साथ अलायंस नहीं करूंगा, सरकार नहीं करूंगा, लेकिन सत्ता के लिए फिर एक बार चले गए। राष्ट्रवादी से अलायंस नहीं है, एक राष्ट्रवादी से अलग हुए कुछ लोग जिन्होंने हमारे को समर्थन दिया हमारे काम को जरा, क्योंकि अजित पवार ने बोला है स्टेटमेंट में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में गति लाने के लिए देश में अच्छा शासन लाने के लिए मजबूत शासन के लिए उन्होंने राष्ट्रवादी का समर्थन नहीं है, ये राष्ट्रवादी से कुछ अलग हुए जिनको उनके तत्व नहीं पटे, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके तत्व पटने कारण वो उनके साथ में है, उनके मैंडेट को साथ दिए और अच्छे से सरकार चलाएंगे, अजित पवार ने स्टेटमेंट दिया है और हमारे साथ में हुए। नगर सेवक संजय बंगाली भी हमारे साथ मौजूद है, क्या बताऊंगे इस बारे में जो सरकार नहीं बनी। महाराष्ट्र में युति को जनादेश मिला था, शिवसेना ने 30 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ युति में काम किया, वो युति में काम करने वाली शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए पलट गई। लोगों ने युति को जनादेश दिया था, लेकिन शिवसेना के रवैये के कारण महाराष््र को जनता को एक महीना राष्ट्रपति शासन में रहना पड़ा। देवेंद्र जी ने बार बार ये कहा था कि मैं युति के सरकार का मुख्यमंत्री हूँ, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं शिवसैनिक हूँ, लेकिन फिर भी सत्ता का हवास शिवसेना को गड्ढे में लेके गया। शिवसेना ने बाळासाहेब ठाकरे ने जो युति की थी वो युति तोड़ने का पाप संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने किया, महाराष्ट्र के जनता ने उनको अपनी जगह दिखा दी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार और महाराष्ट्र के राज्य में देवेंद्र की सरकार ये महाराष्ट्र को बहुत मजबूत करेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। 2014 में जब
मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था कि मैं अजीत दादा के ऊपर कार्रवाई करूंगा, जो सिंचाई घोटाले के ऊपर उनके आरोप लगे थे और उनके साथ ही सरकार बना गए। देवेंद्र जी ने 5 साल में जब महाराष्ट्र की सरकार बनाई तब देवेंद्र जी ने किसी भी पार्टी के ऊपर पॉलिटिकल रूप से अन्याय नहीं किया। कोर्ट के आदेश से जितनी कार्रवाई हुई वो कार्रवाई का अमल किया खुद होके। कभी भी कोई पार्टी के नेताओं पर देवेंद्र जी ने स्वयं पूर्ण कार्रवाई नहीं की। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था के अंदर जिनको कन्विक्ट किया जाता है वो कन्विक्ट करने वालों के ऊपर ही केवल कार्रवाई हुई। देवेंद्र जी सूढ़बुद्धि की राजकीय कार्रवाई कभी करते नहीं और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करूँगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई 3 तंगड़ी की अनैतिक सरकार महाराष्ट्र को, कायदा सुव्यवस्था और महाराष्ट्र सरकार चली नहीं सकती थी और हमारे अलायंस ने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो सरकार में आने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए देवेंद्र जी के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक घड़ा आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक घड़े के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण सरकार है। 5 साल कंप्लीट करेंगे सरकार? ये सरकार निश्चित रूप से 5 साल कंप्लीट किया। जिस समय पिछले वक्त सरकार आई थी तब भी लोगों को ये आशंका थी, 5 साल देवेंद्र जी ने उस समय पूरे किए, इस समय भी 5 साल पूरे करके महाराष्ट्र विकास की नई ऊंचाई पे जाएगा। हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ देंगे भाजपा? भारतीय जनता पार्टी का जन्म हिंदू समाज की रक्षा के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, समान नागरिक कायदा और 370 कलम का वचन निभाया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से कभी भी हट नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने के जन्म से भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे लेके चल रहे हैं वो मुद्दे कायम रहेंगे। कार्यकर्ता है बात करना चाहते हैं? मेरा ऐसा कहना है संजय राउत को हमारा जो जवाब है, हमने जो उसको जवाब दिया है, शांति ही हमारा और खामोशी हमारा जवाब है। जैसा मन से उनका ठाकरे घराने के जो राज ठाकरे जिनका जैसा मन से हुआ है वैसे ही उद्धव ठाकरे का मन से होएगा, यही हमारा कहना है। और ये शांति का जवाब ही है जो हमने संजय राउत को दिया है, शांति ही इसका जवाब है, ये आप याद रखें। भाजपा कार्यकर्ता और नगर सेवक है उनका कहना है कि सरकार जो है वो पूरे 5 साल करेगी और जो महाराष्ट्र में विकास होगा। कैमरा पर्सन बादल के साथ अमित पांडे, I V24 नागपुर। महाराष्ट्र में बनी नई सरकार स्थिर सरकार होगी। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास होगा और 30 नवंबर तक भाजपा बहुमत साबित करने में सफल होगा, ऐसा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताया है। वहीं उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंचाई घोटाले के सवाल पर गडकरी बसते नजर आए। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और अजित पवार जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। अनेक दिनों से क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता महाराष्ट्र की जनता को थी। महाराष्ट्र के विकास के लिए स्थिर सरकार की आवश्यकता थी और आज देवेंद्र जी और अजित पवार दोनों के शपथ के बाद दोनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र में स्थिर सरकार आएगी और महाराष्ट्र का विकास होगा, ये मेरा विश्वास है। राज्यपाल जी ने जो मुदत दी है उस मुदत में वो अपना बहुमत विधानसभा के फ्लोर पर निश्चित रूप से सिद्ध करके दिखाएंगे, ये भी मेरा विश्वास है। इस नए सरकार के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। अजित पवार ने भाजपा को समर्थन देकर नई सरकार गठन करने से राष्ट्रवादी कार्यकर्ता नाराज हुए। उन्होंने नागपुर में अजित पवार के पोस्टर जलाए और अजित पवार के खिलाफ नारे भी लगाए। आप लोगों ने जिस तरह के आप राष्ट्रवादी के लोग हैं और पार्टी के हैं, आप लोगों का क्या कहना है कि भाई सिर्फ अजित पवार ही बीजेपी के साथ गए कि और भी कुछ लोग गए उनके साथ? नहीं नहीं, देखिए कैसा है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ये पिछले 1 महीने से लगातार संपर्क में है। ये तीनों दल मिलकर सत्ता बनाने की ओर जा रहे थे। कल रात का आपने एक न्यूज़ के ऊपर में देखा होगा तो वो पूरे की पूरी परिपक्वता के साथ आज सामूहिक पत्र परिषद ले रहे थे और आज राज्यपाल को मिलने जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम विचलित हो गए और उन्होंने रातों रात ये घड़ामुड़ी कर आपके सामने चित्र रखा। राज्यपाल पे क्या कहेंगे? राज्यपाल ने जिस तरीके से आचार से राज्यपाल हटाया गया, महाराष्ट्र ये हटाया गया,
उसके ऊपर में क्या कहूँगा? नहीं, आज ऐसा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल आज प्रधानमंत्री कार्यालय के कठपुतली बनकर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये जो षड्यंत्र हुआ है उससे क्लियर कट ये साबित होता है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। अगर ये लोग दिन के उजाले में कोई काम करते तो बात जस्ती थी। आज इन्होंने दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में ये काम करने का काम किया है। राष्ट्रपति शासन जैसा सकाळी 5 वाजता हे केलं जातं, त्याच्यानंतर तुरंत 8 वाजता शपथ ग्रहण का होतं? ज्या पद्धतीने राष्ट्रपती शासन त्यांनी 5:30-5:30 दरम्यान जे हटवलं आणि ज्या पद्धतीने अंधारामध्ये शपथविधी झाली, ह्या सगळ्या परिक्रमामध्ये सरळ सरळ संविधानाचं हनन या ठिकाणी केलेलं आहे। हा शेवटी BJP कडून आपण अपेक्षाच करू शकत नाही। आजपर्यंत संविधानाच्या विरोधातच त्यांनी काम केलेलं आहे, आजही ते केलेलं आहे। अजित पवारासोबत जी आज कल्पना होती, जी त्यांच्याकडे 45 लोक आमदाराची लिस्ट होती, ती लिस्ट म्हणजे खोटी होती। आमदाराचे नेते होते ते आणि त्यांच्याकडे ती लिस्ट पक्ष कार्यालयामधून गेलेली होती, तीच लिस्ट त्यांनी ती दिलेली आहे आणि माझ्यासोबत एवढे आमदार आहेत हे सांगितलेलं आहे। वास्तविक पाहता आजही आपण चित्र पाहतोय, आजही चॅनलवरती पाहतोय, सगळे आमदार आमच्या शरद पवार साहेबासोबत आहेत। त्यांच्यासोबत काम करायला त्यांना न सांगता अजित पवार घेऊन गेलेत आणि त्या ठिकाणी शपथविधी झाली असं आताचं चित्र आहे। अजित पवार भीतीने गेले, ईडीची भीती ना घोटाळे, त्यामुळे त्यांना गेले? आता तो त्यांचा पर्सनल मॅटर आहे, आपण त्याच्यावर काही बोलू शकत नाही। आम्ही सगळे लोक आज शरद पवारांसोबत आहोत, आम्ही राष्ट्रवादीचे सैनिक आहोत आणि त्या पद्धतीने या ठिकाणी आपण काम करतोय। कालपर्यंत अजित पवार महाराष्ट्रामध्ये हे देवेंद्र फडणवीस पचवू शकत नाही आणि म्हणून कदाचित होऊ शकते, माझं मत असं आहे, होऊ शकते त्यांना काहीतरी एक आमिष दाखवलं असेल, काहीतरी भीती दाखवलं असेल, म्हणून आज या नेत्यांनी असं पाऊल उचललं असं मला या ठिकाणी वाटते। 30 तारखेला हे करणार आहे आता जोपर्यंत पवार आहे तोपर्यंत सगळं मुमकिन आहे। पवार साहेब काय करतील, कसं करतील, कसं समीकरण करतील हे तुम्ही आम्ही कोणीच सांगू शकत नाही। आज असं नको आहे की फडणवीस सरकार जरी बसलं असेल तर लगेच त्यांना 2-4 दिवसामध्ये त्याचा राजीनामा देऊन एक दुसरं नवीन सरकार या ठिकाणी उभं होईल असंही होऊ शकते, राजकारणात काही होऊ शकते। आपण आता पाहिले तर त्यांच्याकडे जरी बहुमत असले तरी महिना ओलांडून गेला त्यांना सरकार स्थापित करायसाठी एवढा वेळ लागतो आणि शेवटी अंधारामध्ये करावं लागतं। त्याचप्रमाणे काही होऊ शकते, राजकारणाची भूमिका आपण सांगू शकत नाही। त्यांनी जो बहुमत दाखवला, आमची 40-45 लोक त्यांच्यासोबत दाखवले, आज त्यांच्यासोबत 1-2 लोक नाही आहेत असं म्हटलं तरी चालते, मग 2 लोकांमध्ये त्यांचं बहुमत सिद्ध होईल का? आणि बहुमत सिद्ध होणार नाही, त्यांचं सरकार बसेल का? याच ठिकाणी यांचा गेम दिसतो आहे, याच ठिकाणी यांचं खोटारडेपणा दिसतो आहे आणि आमचं सरकार हे स्थापित होईल एवढा आम्हाला विश्वास आहे। राज्य में बनी नई सरकार ने सभी को अचंभे में डाल दिया। राष्ट्रवादी के अजित पवार ने भाजपा का समर्थन देकर नई सरकार राज्य में स्थापित की, जिसके बाद राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता इस निर्णय से नाखुश दिखाई दिए। राष्ट्रवादी के युवक कांग्रेस महासचिव फैजान मिर्जा से बात की है I V24 ने। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो दिन आज महाराष्ट्र ने देखा है। महाराष्ट्र के इस सिनारियो में जो चीज़ हो गई है, मतलब आज महाराष्ट्र में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार ने सत्ता स्थापन करने के लिए अपने कदम उठा दिया है और मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से ले ली है, तो वही ऊपर मुख्यमंत्री पद की शपथ अजित दादा पवार ने ले ली है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। कल तक शिवसेना का नाम चल रहा था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस उनके समर्थन में होगी, लेकिन एक नए दिन में एक नई बात, एक नई चर्चा, इसके इस सारे सिनेरियो में राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव फिरोज मिर्जा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फैजान मिर्जा मेरे साथ है, क्या लगता है एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरा जो चुनाव लड़ी है वो भाजपा के अगेंस्ट लड़ी है, शिवसेना के अगेंस्ट लड़ी थी, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस का अजित दादा पवार ने समर्थन दे दिया है भाजपा को? अभी 12:30 बजे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार साहब और शिवसेना के माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर उन्होंने साफ अजित पवार साहब के इस फैसले से किनारा किया, उन लोगों ने दूरी इख्तियार की। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी फैसला अजित पवार साहब ने लिया है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का नहीं है, ये अजित पवार और BJP का फैसला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया और हम लोग कोई इनके साथ में है नहीं। पवार साहब ने हमारे को जो गाइडेंस दिए, जो हमारे को डायरेक्शंस दिए, हम उस डायरेक्शंस के हिसाब से चल रहे हैं
और पवार साहब का जो भी फैसला होगा हम उसको मान्य करेंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रात को 2 बजे एक हलचल मचती है। महाराष्ट्र प्रदेश से राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए एक हलचल होती है और सुबह अचानक 8 बजे नवे मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार जी शपथ लेते हैं। एक टेक्निकल सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन अगर हटाना रहा तो राज्यपाल के पास में उनको सेटिस्फाई करने के लिए आमदारों का लिखित पत्र देना होता है, वो दिया गया होगा अजित पवार साहब या फिर देवेंद्र फडणवीस जी ने वो पत्र भले ही दिया हो, वो दिया गया है। लेकिन राज्यपाल साहब द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक स्टेटमेंट दिया जाता है और एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि राष्ट्रपति राजवट यहाँ से वापस लिया जाए। तो रात को 2 बजे राष्ट्रपति भवन से फैक्स कैसे आया कि राष्ट्रपति शासन हम वापस ले रहे हैं? सुबह 6:47 पर राष्ट्रपति शासन वापस लिया गया, 8 बजे मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। ये लोकतंत्र की हत्या है साहब, और ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाली बात है। इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र का कोई उड़ा नहीं सकता। ये लोकतंत्र का पूरा मजाक बनाया गया है और लोकतंत्र की पूरी ऐसी की तैसी करके लोकतंत्र की पूरी धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई गई। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता ही साथ दे रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसी नेता ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाने के लिए नहीं दिया है। अजित दादा पवार कहाँ से थे, मतलब भाजपा से लड़े थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़े थे? इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगा जब शाम में हमारे विधायक दल की बैठक होगी, जब हमारे सुप्रीमो शरद पवार साहब सारे विधायकों को बुलाकर जब एक बैठक लेंगे तो इसका आपको बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि ये जो भी हुआ है, ये जो भी हो रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। आप क्या मानते हैं इसके अंदर? आप एक मीडिया है, आप लोग लोगों के पास घूमे, आप लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर माहौल देखे। अगर बीजेपी के लिए लोगों के दिल में प्यार होता तो वो 105 पर उनका आंकड़ा रुकता? और अगर बीजेपी को इतना ही वो है, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन के पहले ईडी के आरोप लगाए गए अजीत दादा पर, ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगाए गए, और बीजेपी ने पूरा जो चुनाव का प्रचार हुआ बीजेपी ने हमारे अगेंस्ट में किया, तो फिर अब बीजेपी अचानक हमारे साथ जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? कि इस पर ये साबित होता है कि बीजेपी को कुर्सी की बहुत लालच है। कुर्सी की लालच तो फिर अजीत दादा पवार को भी है। उप मुख्यमंत्री तो उनको हम भी दे रहे थे, हमारे पास भी उप मुख्यमंत्री के लिए वही नाम है ना। क्या चीज़ हो गई है पार्टी के अंदर कि उन्हें पार्टी के अगेंस्ट में जाकर निर्णय लेना पड़ा? ये तो अभी लिफाफे के अंदर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है या जो आमदार है वो सही में भाजपा के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या चीज़ हो गई है राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर कि जो बड़े नेता है, अगर शरद पवार के बाद जो बड़े नेता है राष्ट्रवादी में तो अजित दादा पवार है, उन्हीं ने भाजपा का साथ दे दिया? बहुमत परीक्षण के लिए 30 तारीख का समय मिला है। पवार साहब की तरफ से एक ही बात कहूँगा कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, हम अगर अभी से ही हमारी रणनीतियाँ खोलना चालू करेंगे तो हमें क्या। कार्यकर्ता के तौर पर आपको क्या लगता है अजीत दादा पवार ने जो किया वो सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है। पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई आदमी हटकर काम करता है, ट्रैक छोड़कर पार्टी का अगर काम करता है तो वो वाकई में गलत है। अगर मैं भी उनकी जगह पर हो तो मैं भी गलत हूँ। क्या करना चाहिए फिर उनके साथ, आपको क्या लगता है? वो सब शरद पवार साहब के ऊपर है जो पार्टी के तौर पर। आपको क्या लगता है कि उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए? पार्टी से निष्कासन करने के बारे में तो पवार साहब ने कह ही दिया है ना कि उनके लिए हम उन पर उनकी सदस्यता अभी रद्द होगी शायद, या फिर जो भी है पवार साहब ने बोले कि स्ट्रिक्ट एक्शन वी विल टेक अगेंस्ट हिम एंड पवार साहब इज केपेबल टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट अजित पवार एंड ही विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट अजित दादा। सो नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट अभी आया है, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के साथ महाराष्ट्र को एक नया नेतृत्व मिला है, वो 5 साल पूरे कंप्लीट करेंगे। नितिन गडकरी साहब ने ज्योतिष विद्या कहाँ से सीखी, मैं इसका सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि 5 साल चलना ना चलना तो ये ज्योतिष विद्या का ही काम है। जो इंसान फॉर्चून टेलर है, जो फ्यूचर बता सकता है, वही बोल सकता है ना कि 5 साल चलेंगी नहीं चलेगी। अभी तक तो सरकार बनने का सिर्फ 2 ही लोगों ने शपथ ली है, 5 साल चलने ना चलने का सवाल ही कहाँ से आ गया? अगर एनसीपी से ये आता है कि आपको भाजपा का समर्थन देना है तो आपके आइडियोलॉजी के लिए वो आप समर्थन करोगे उसको? देखिए पवार कहते हैं तो हमारे पार्टी के सुप्रीमो है शरद पवार और हम है शरद पवार साहब के कार्यकर्ता। जो शरद पवार साहब हमको आदेश देंगे वो हमारे लिए पूर्व दिशा होंगी, और मुझे ये भी बताया कि पवार साहब ऐसा कोई आदेश नहीं दे। अगर एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर ऐसा आ गया कि भाजपा का समर्थन करना है, टेक्निकली जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ पर डिस्कस करके क्या फ़ायदा? क्या लगता है 30 तारीख को क्या होने वाला है फ्लोर टेस्ट में, राष्ट्रवादी कांग्रेस भाजपा का समर्थन करेगी?
फ्लोर टेस्ट में मैंने अभी आपसे कहा ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमा हम अभी से क्या के तौर पर आपको तो इनपुट होता ही है, ऐसा सभी को पता है कि इनपुट होता ही है, आपको इनपुट क्या है? गुरूर टूटेगा, जिन लोगों को आज गुरूर हो गया कि हम मुख्यमंत्री बन गए हैं तो फ्लोर टेस्ट के दिन उनका गुरूर ज़रूर टूटेगा, और गुरूर टूटने का मतलब आपको पता है सरकार गिरेगी। जो फिलहाल कार्यकर्ता है उनके हिसाब से जो फ्लोर टेस्ट में है वो बीजेपी कहीं ना कहीं साबित नहीं कर पाएगी, ऐसा इनका कहना है, लेकिन जो कुछ सिचुएशन होने वाली है वो 30 तारीख को ही साबित होगी कि क्या भाजपा अजीत दादा पवार के साथ सरकार बनाती है और वो सरकार 5 साल चलने लायक होगी या नहीं होगी, या फिर शरद पवार जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है वो कुछ ऐसी गोटियाँ खेल देंगे जो जिस तरह से जो सिचुएशन आज महाराष्ट्र में ही है ऐसी कुछ सिचुएशन 30 तारीख को हो जाए हम कुछ नहीं बता सकते, जो चीज़ होगी वो 30 तारीख को ही साफ हो जाए। कैमरा पर्सन बादल नंदर के साथ अमित वांद्रे, V24 तास, नागपुर। नवरात्री दसरा आणि दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर सुमित मोटर्स घेऊन येत आहेत आपे महोत्सव। आपे गाडी खरेदी करा आणि मिळवा 25 ग्राम चांदीचा सिक्का, योजना मर्यादित कालावधी करिता, एक्सचेंज सुविधा उपलब्ध, फायनान्स उपलब्ध। आमचा पत्ता सुमित मोटर्स, प्लॉट नंबर 29, त्रिवेदी लेआउट, टाकली सीम, हिन्ना रोड, नागपूर। बघत रहा V24 तास, आवाज जनसामान्याचा।